क्या होगा उससे, क्या होगा उससे? अच्छा ही पढ़ाएंगे ना, वो तो ये भी पढ़ रहे थे। अरे मीना, प्रॉब्लम टीचर में नहीं, चूतिया सब्जेक्ट में। इतना बोरिंग सब्जेक्ट है कि सिर्फ फैक्ट्स है जिसका कोई लॉजिक नहीं। लॉजिक के नाम पर जितने रूल्स नहीं है उससे ज़्यादा एक्सेप्शन है। पहले ऑक्टेट रूल में बताएंगे सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर फिर कितने भी इलेक्ट्रॉन का कंपाउंड बनाना चाह रहे हैं, 4, 6, 7, 8, 10, 12, एक अकेले आइटम पे कितने सारे मॉडल्स हैं। पहले पढ़ेंगे डेल्टोंस मॉडल, जैसे समझ में आएगा बोलेंगे ओह ये तो गलत है। चलो मान लिया एक बार हो गई गलती, फिर पढ़ेंगे थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, वो भी गलत। फिर रदरफोर्ड्स मॉडल, वो भी गलत। अरे तो सालों पढ़ाई क्यों जा रहे हो, पहले ठीक से मॉडल बना लो ना। ना ना, हम तो पढ़ाए जाएंगे बोस मॉडल स्वाहा, श्रोडिंगर मॉडल स्वाहा, हाइजेंबर्ग्स मॉडल स्वाहा, और पूरा सही कोई भी नहीं। बिना ये लोग एक्सेप्शन बोल बोल के चूतिया बना रहे। एक्सेप्शन नहीं, ये एक्सक्यूज है। सालो तुम्हारे पास सारे आंसर देने वाली कोई थियरी नहीं है, होगी भी कैसे? थियरी देते आइंस्टाइन न्यूटन जैसे जीनियस लोग, जो कि ये चूतिया पाके सब्जेक्ट पढ़ते ही नहीं थे। लॉजिक नहीं, यहाँ है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। अब ये इंसेप्शन देख के इतना कंफ्यूज नहीं हुआ था जितना एक्सेप्शन ने कर दिया यार। हर आइटम तो अपनी मर्जी से एक्ट और रिएक्ट करता है, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदलती रहती। साला ऑक्सीजन तक की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है। अरे जब तुम्हारे खुद के एलिमेंट तुम्हारे सगे नहीं है तो क्यों फालतू में हैप्पी पीरियोडिक फैमिली बनाने की कोशिश करते रहते हो? मैथ से सीखो कुछ, एक बार 0 से 9 तक 10 डिजिट फिक्स कर दिए, बस फाइनल। लेकिन इनके इनके तो सारे एलिमेंट्स ही नहीं आया आज तक, हर साल कुछ नया प्रकट हो जाता है। बूम, इस बार लकी ड्रॉ में निकला है 113 नंबर, इसका नाम हम रखेंगे निकनोमजियम। नहीं नहीं, निकनोमजियम। स्कीम में है कि 3 लॉ दिए न्यूटन ने, आधी फिजिक्स हो जाती है, लेकिन इनके हर सवाल के लिए एक नया रूल। तो तुम मान लो ना कि तुम फिजिक्स और मैथ्स की तरह लॉजिकल नहीं हो। नहीं, अभी तू मुझे ये बता, अगर तू एप्पल को हवा में ड्रॉप करेगा तो क्या होगा? वो नीचे गिरेगा, पर वो फिजिक्स में नीचे गिरेगा, केमिस्ट्री में नहीं। या स्टेरिक इंड्रेंस आ जाएगा, कम पड़ा तो रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट सब लग जाएगा, कुछ भी हो सकता है यार। या तो कलर भी सीधे सीधे नहीं बोलते, ग्रीन नहीं एप्पल ग्रीन, पिंक नहीं हॉट पिंक, रेड नहीं क्रिम्सन रेड। अरे इसलिए है ना केमिस्ट्री सिर्फ लड़कियों की अच्छी होती है, कुछ भी करते रहते हैं, सॉल्ट एनालिसिस, टाइट्रेशन, रॉटन एग्स मिल। अरे क्यों सूंघू मैं सड़ा हुआ अंडा, क्यों सूंघू? ब्राह्मण हूं मैं। एटॉमिक साइज का ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड, वर्टिकल ट्रेंड। अरे किसी चीज को ट्रेंड तो तब कहते हैं जब उससे कुछ प्रेडिक्ट हो सके। ढक्स ऑफ हिंदुस्तान की तरह कुछ भी होते जा रहे तो काहे का ट्रेंड? मैं बता रहा हूँ मीना, केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्टिव है। अरे क्या कुछ नहीं किया इस सब्जेक्ट के लिए, नोट्स लिए, असाइनमेंट्स लिखे, आगे बैठे, तीन तीन टीचर बदल दी, पढ़ने की स्ट्रैटेजी बदल दी, पर एंड रिजल्ट क्या घंटा। नहीं, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है यार केमिस्ट्री, बहुत बोरिंग है। पहले तो कॉलेज में बोरिंग लगता था, अब भी तो ऑनलाइन लेक्चर्स हो गया तो और बोरिंग हो गया। लेकिन अगर आपको ये वीडियो बोरिंग नहीं लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो सब्सक्राइब के बाजू में जो छोटा सा वो बेल आइकन रहता है वो दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको नहीं पसंद आया तो अनलाइक कीजिए, और कुछ नहीं। थैंक यू।